बीते दिन पीएम मोदी दक्षिण राज्यों के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने तेलंगाना में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने तेलंगाना और चेन्नई में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन सब के बीच पीएम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक दिव्यांग युवक के साथ सेल्फी लेकर उसे शेयर की। इसके बारे में हर कोई जानना चाह रहा है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, जहां लोग पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, वहीं जब देश के पीएम एक सामान्य युवक के साथ सेल्फी लेकर उसकी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो ये चर्चा का विषय बन ही जाता है। हम आपको बताएंगे कि चेन्नई में रहने वाले दिव्यांग युवक कौन है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसके साथ सेल्फी लेकर इनकी कहानी लोगों तक पहुंचाते हुए क्या कुछ बताया। दरअसल जिस दिव्यांग युवक के साथ पीएम मोदी ने सेल्फी ली वो चेन्नई में रहने वाले बीजेपी कार्यकर्ता थिरु एस मणिकंदन है, जो सामान्य तौर से दिव्यांग है और अपनी दुकान चलाते हैं। लेकिन उनकी जिस आदत से पीएम मोदी खुद बहुत प्रभावित हुए वो ये है कि थिरु एस मणिकंदन काफी समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और रोजाना अपनी कमाई का एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। पीएम मोदी ने ट्विटर पर शेयर की तस्वीर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु पहुंचकर चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही चेन्नई में पीएम ने 5,200 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने तमिलनाडु दौरे के दौरान एक सेल्फी अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए उसे स्पेशल बताया। इस तस्वीर को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, एक खास सेल्फी, चेन्नई में मेरी मुलाकात थिरु एस मणिकंदन से हुई, वो रोड से बीजेपी तमिलनाडु के बूथ अध्यक्ष हैं। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि मुझे ऐसी पार्टी में कार्यकर्ता होने पर बहुत गर्व महसूस होता है, जहां हमारे पास थिरु एस मणिकंदन जैसे लोग हैं। उनकी जीवन यात्रा हमारी पार्टी और हमारी विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रेरणा देने वाली और समान रूप से प्रेरक है। भविष्य में उनके प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बीते दिन चेन्नई में एक रोड शो भी किया, जहां उनके समर्थन में कार्यकर्ताओं और लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। इस दौरान पीएम मोदी ने रोड शो में आए सभी समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया और चेन्नई में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा, तमिलनाडु का विकास हमारी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण के राज्यों में बीजेपी के पैठ मजबूत करने के लिए तेलंगाना और चेन्नई में हगाई 1,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु का विकास हमारी प्राथमिकता है, यहाँ की लंबी तटरेखा व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2014 से पहले की तुलना में आज हमारी बंदरगाहों की क्षमता वृद्धि लगभग 2 गुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले की तुलना में हर साल देश में बने राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई लगभग 2 गुनी हो गई है। 2014 से पहले जहां हर साल 600 रूट किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया जाता था, वहीं आज ये 4,000 रूट किलोमीटर तक पहुंच रही है। फिलहाल देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 14 महीनों में 5 बार तेलंगाना का दौरा किया, लेकिन एक बार भी प्रोटोकॉल के तहत तेलंगाना के सीएम केसीआर की प्रधानमंत्री मोदी की एक बार की अगवानी नहीं की। इसको लेकर तेलंगाना बीजेपी नेता एन रामचंद्र राव ने केसीआर को आड़े हाथों लिया और कहा कि भले ही केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन वैचारिक मतभेद रखते हों, लेकिन उन्होंने प्रोटोकॉल का हमेशा पालन किया और पीएम के उनके राज्य में पहुंचने पर उनकी अगवानी की। भाजपा के नेता ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री अपने पद और कद के अनुसार व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तेलंगाना की जनता इसका सबक उन्हें सिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।